जाओ जैसे जानो और वैसे नाथ की परीक्षा लो। जवाब दिया, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम परीक्षा कर लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि अवतारी है या नहीं है। तो सती जी भोले बाबा की बात न मान के और श्री राम की परीक्षा करने के लिए आगे बढ़ी गई। सोचती हुई जा रही हैं, अगर हम अपने रूप में गए, अपने भेष में गए तो वो तो हमें पहचान लेंगे। इस सीता की ब्रह वेदना में इतने व्याकुल हैं तो क्यों ना हम सीता ही बन जाए। अवतारी होंगे तो पहचान लेंगे, अवतारी नहीं होंगे तो सीता समझ करके मेरे पास आ जाएंगे तो हम जान लेंगे कि अवतारी है नहीं। भाई हुआ, इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया और जिस रास्ते में प्रभु राम सेसा अवतारी लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते में बैठ गई। श्री राम ने देखा, सारी बात समझ गए। एक बात सोची है, भोले बाबा की तो बात नहीं मानी और मेरी परीक्षा करने यहाँ चली आई। चलो कोई बात नहीं, ये तो समझदार है, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। ये समझदार है, समझ जाएंगे, यहाँ से वापस चली जाएंगे। तो प्रभु राम ने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से निकले। सती जी ने एक बात सोची है, हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमें देख ही नहीं पाया। सामने पहुंच गई, उस रास्ते में फिर बैठ गई जिस रास्ते में राम जा रहे थे। सोचा अभी ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें तो बहम भरा है। प्रभु राम सामने आए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किया, फिर एक बात कही सती जी कि आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृत शील सुसारे। जोड़ करके प्रणाम किया है, फिर एक बात कही, सती जी आज अकेली कैसी बैठी हो, भोले बाबा कहाँ हैं? और जब ये सुना कि भोले बाबा कहाँ हैं, सोचा इन्होंने तो मैं पहचान लिया। तो जो सीता का रूप बनाए हुए थी वो रूप संभालना इन्हें मुश्किल पड़ गया। सती जी ने सोचा अब तो भाग लें, और तो कोई उपाय है नहीं। सती जी भागी लेकिन भाग ही नहीं पाई। क्या देखा, तो भागी न भागने भी पाई और देखा सम्मुख श्री राम खड़े। Ready?